गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत सब जी सत श्रीकाल। मैं चाहता हूँ कि हम जो कि हाल चाल है जी, सो फाइनली हो गई है हमारी मॉर्निंग, फर्स्ट मॉर्निंग घर पे। मैं एक दूसरे में सो गया था अपनी गद्दे पे ही, बिकॉज बेड्स वाली फिट करने हैं, बेबी और नैन्सी अपने रूम में है, तो मैं गेस्ट रूम में सो गया बिकॉज खुला खुला सोना था, बहुत टायर्ड हो गया था। सो लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग। सो सारा सामान सारा खलारा ऐसे ही पाया गया, तो मैं यहाँ पे सो गया था। कैन आई शो यू, देखियो यहाँ पे सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है। देखो गैराज में, देखो सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ, सब ऐसे पड़ा हुआ, सब कुछ एवरीथिंग। हम चलते हैं इधर लिविंग रूम में, तो लिविंग रूम में देखो सारा सामान, कुछ भी सेटिंग नहीं हुआ है क्योंकि हम कल ही पहुँचे हैं यार, तो किचन वगैरह में सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ। आपको दिखाता हूँ यहाँ की मॉर्निंग कैसे होती है। Wow. Good morning. There we go, guys. So well, guys, your gaadi ke liye hame jo most important things jo hote hain, you will also always need to remember and keep it update. That are three things. One is aapka khud ka license. Second is gaadi ki registration plate. And third is front door fitness. Right. And of course insurance, there are four things basically, like app and insurance also. So ye char cheeze hai jo bahut hi main hai. Front of fitness jo aapki detail gaadi detail mein check hoti hai, detail mein check hoti hai ki yes ki ye light theek hai, kya sensor theek hai, ki aapka wiper chal rahe hain, ki aapke tires theek hai, ki aapka engine oil, ye this and that, those much of thing. And registration प्लेट, वी नीड टू पे एवरी 12 मंथ्स में, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन में पे एवरी 12 मंथ्स में पे करना पड़ता है। इंडिया की तरह नहीं है, एक बार नंबर मिल गया तो बस मजे रहो लाइफ, 20 साल 25 साल जैसे ही होता है, पर नहीं, यहाँ पे एवरी ईयर वी नीड टू पे फॉर रजिस्ट्रेशन। सेकेंड इज वारंट ऑफ फिटनेस, अगेन इट्स अगेन फॉर 12 मंथ्स, हर 12 महीने में आपको चेक करवाना पड़ता है। एंड इंश्योरेंस एज यूजल है, आप किसी भी कंपनी से करवाओ, एक साल का ही होता है वो भी। और आपका लाइसेंस, यस एज यूजल अगेन, उसमें भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आप कौन से क्लास वन हो, क्लास टू है, क्या है जो व्हाटएवर एक्सेट, तो ये चार चीज़ें आपको रखना ही रखना है। पर इंडिया में क्या होता है कि आप दो चीज़ें चाहिए होती है, आपकी इंश्योरेंस और आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, यहाँ भी थोड़ा सी सेम है। तो चलिए गाइस, आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसी चीज़ें होती हैं। बिफोर वी गो, आई नीड टू गो टू रैकर। रैकर यहाँ पे क्या है, रैकर एक यहाँ पे एक बिजनेस है जहाँ पे डंप गाड़ियाँ, एक्सटर्नल गाड़ियाँ, जैसे सेकेंड हैंड पार्ट्स मिलते हैं इंडिया में, वैसे यहाँ पे भी सेकेंड हैंड पार्ट्स मिलते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मेरी निसान जी टी है उसको, उसके लिए मैं थोड़ा सेकेंड हैंड सामान ले लूँगी, वाई टू वेस्ट दैट मच ऑफ मनी, क्योंकि फर्स्ट हैंड इस इनिशियल स्टेज पे इज टू मच ऑफ कॉस्ट। उसका एक टायर ही अराउंड $250-$300 का एक टायर है, $300 का एक टायर। आई वॉन्ट कि अगर रैकर में मेरे को सेकेंड हैंड में अच्छा टायर सस्ते इसमें दाम में मिल जाए, वाई नॉट, मैं एटलीस्ट एक साल और, मतलब मेरी जो रेंट ऑफ फिटनेस है वो चालू हो, वो लग जाएगी, बिकॉज दैट इज अगेन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडी। हाँ, अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो वेल एंड गुड, उसमें कोई बेकार कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि आप कहीं सेकेंड हैंड से आप टायर लगा रहे हो, ठीक है। दूसरा, अगर बैटरी मुझे वहाँ पर रैकर मिल जाती है तो आई विल गो फॉर दैट। तो अभी जाना है और उसके बाद फिर दूसरे जो मर्सिडीज है उसकी सर्विस करवानी है, इसकी सर्विस करवानी है। बहुत आज बेसिकली गाड़ी में काम है, छोटा मोटा काम और भी है जो मैंने टू द लिस्ट बनाया है, मैंने कहाँ रखा है मुझे पता नहीं है जी। बिल्कुल नहा धो के तैयार हो गए, इट्स टाइम टू गो नाउ। टाइम हो गया है 9:15, तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और चलते हैं, क्योंकि हमने अब कुछ अपॉइंटमेंट्स ले रखी है और हमारी न्यूजीलैंड की सड़कें शांत, बिल्कुल शांत, सो बिल्कुल ही शांत। ऐसे कुछ घर हैं लोगों के यहाँ पे। हे विगो जी, पहुँच गए हम हॉक्स बाय मर्सिडीज। अब यहाँ पहले अपॉइंटमेंट के लिए, उससे पहले मेरा ये था कि पहले पूछ लेता हूँ कि भैया हाउ मच यू गोना चार्ज मी फॉर सर्विस, यू नो, ऐसा ना हो ना कि कंगाल हो जाए यहीं पे सर्विस के लिए। सो लेट्स गो, मैंने कॉल तो किया था इनको, बट दे सेड कि प्लीज कम टू एंड विजिट अस। सो ऑक्सले का सबसे बड़ा मर्सिडीज का शोरूम है ये। कहाँ से होगा, उस साइड से?
माल ही हो गया। गाड़ी की सर्विस मर्सिडीज की इज, देखो ये आपको दिखाता हूँ मैं, $1,051 तो करीब 52,000 रुपए की सर्विस होनी है मर्सिडीज की, जिसमें सिर्फ ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, क्या है ये, विंडशील्ड, ब्रेक फ्यूल, एयर फिल्टर, बस थोड़ा सा ये बेसिक ग्रूमिंग करेंगे, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। तो भाई मजाक हो गया गाड़ी रखना, ठीक है। तो इसको तो मैंने बोला है कि भाई, और दैट अगेन गाड़ी आपको मिलेगी 2 हफ्ते के बाद, इतनी लॉन्ग वेटिंग है। तो उसको मैंने बोला है कि भैया अभी वेट करो, सोचते हैं आपके बारे में। भाई का मेन टाइम यहाँ पे आया हूँ टाइगर के, दीज आर गुड फॉर द टायर्स, दिस टायर्स एंड ऑल। मैं अपनी जो निसान जीटी है उसके लिए देखता था, मैं यहाँ पे टायर मिलते हैं फर्स्ट हैंड, यहाँ मिलते हैं फर्स्ट हैंड, और रैकर इज द वन जहाँ मिलेंगे सेकंड हैंड। तो मैं सोच रहा हूँ पहले यहाँ पे रेट पूछ लेता हूँ कि क्या कितना का टायर आता है, और फिर सेकंड हैंड भी चला जाएंगे। सारे सेकंड हैंड यूज्ड है ना, सारे सेकंड हैंड यूज्ड है, पर अपने नंबर नहीं है ना, अपना होके अभी आए हैं हम, और सिर्फ बैटरी मिली वहाँ पे $50 की, क्योंकि टायर्स उसको अवेलेबल नहीं थे यूज्ड वाले। तो विल गो फॉर द फर्स्ट हैंड टायर, पर उससे पहले भी मैं एक हेस्टिंग जाएंगे, यहाँ से लाइक 20-25 किलोमीटर दूर है यहाँ से एक शहर, वहाँ पे जाके देखेंगे अगर इफ पॉसिबल ये अगर हमको सेकेंड हैंड टायर मिल जाते यूज वाले, विच विल बी यू नो हमारा जो WF रेंटर फिटनेस जो अप्रूव करेगा वो वाला, ऐसा नहीं कि नकली कुछ भी लगा दो, नहीं हुआ है, मतलब एटलीस्ट 20,000-25,000 किलोमीटर इजली चल पड़ते हैं, चल जाएंगे वो, पर जो नए वाले थे वो 50,000-60,000 किलोमीटर चलते हैं। तो लेट्स सी, अभी सिर्फ बैटरी लेके आए हैं ये वाली, तो उसको बैटरी को उसमें डालेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर गाड़ी को ले जाएंगे, देखेंगे टायर घुमा के देखेंगे। मर्सिडीज वाले का क्या है कि आपको बताया था, जैसे उसने $1,200 का बिल बनाया, $1,200 का बिल बनाया था, दैट इज़ अगेन सिर्फ जो उसने कागज़ पर लिखा है, जब गाड़ी वापस मिलेगी तब तो पता नहीं कितना बिल होगा। उसने तो आइडली उसने कितना बिल बना देगा, वो मर्सिडीज वाला देगा 1600-1700 आराम से बना देगा ना, सोने के भाव में पड़ जाएगी। लो हो गया बैटरी तो लेके आए थे, लेकिन वो आ गया उसका पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा आ गया, उसके जो वायर्स है जो क्या कहते हैं उसको, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो क्या बोलते हैं, सो व्हाट यू कॉल दैट यार, जो भी आप समझ आओ, वहाँ तक तार पहुँच नहीं रही है उसमें, अब वापस जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कोई और बैटरी है कि नहीं, अदरवाइज आई विल गो फॉर द न्यू वन। बहुत हो गया हेडेक सुबह से, होपफुली यार चल पड़ेगा सब, तो बहुत ड्रामा हो गया। हम आए हैं डॉक्टर्स टू रजिस्टर बेबीज, बेबीज को हम रजिस्टर कर लेते हैं, फिर क्या होता है बेबी के सारा मेडिकल फ्री, एवरीथिंग एनीथिंग टिल अप टू द एज ऑफ। कौन काम नहीं कर रहा है? मैं काम नहीं करूं पापा, ठीक है यार सारा काम और कौन कर रहा है? नहीं कौन कर रहा है बताओ जरा, इसमें इतना मैं तो होता नहीं, इसमें हम होता है, हम होता है। इसे कौन सिखाया इसको? ये ले ले ले, ये उम्र की है। ये देखो क्या काम करे, दो नानी और दोता क्या करते हैं, बैठे हैं आराम से। लाओ साड़ी से भी ऐशा लिया, सेंटर वाली लकड़ लाओ और फिर वो बस, अब सेंटर वाली और वो ना, एक सेंटर वाली सिंगल और ये बाकी 1-4 पट्टियां जो सुन पड़ेंगी, सब कुछ हमको खुद करना पड़ता है, देयर इज नो लेबर हियर, you have to use your own brain, खुद दिमाग लगाओ, खुद करो सब कुछ, लेबर यहाँ पे सोने के भाव में है।
अभी हम सबके पास ना खाने पीने का भी कुछ खाना नहीं है प्रॉपरली. सो नाउ व्हाट आई एम वी जस्ट मेकिंग सैंडविच. तो एग सैंडविच बना रहे क्योंकि और कुछ है ही नहीं है घर में. अभी पता नहीं चल रहा करना क्या, मतलब सब खाली खाली है. कल कुछ ग्रॉसरी ली थी तो मतलब बाथरूम भाई वो सब कटर पटर मार बर्तन बर्तन धो रहे हैं रख रहे हैं सब कुछ. तो मतलब कुछ भी चीज़ें यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ. तो वी जस्ट मेकिंग एग सैंडविच. एग है दिस एवोकाडो टमाटो अनियन लेटस थाउज आइलैंड हनी मस्टर्ड और चीज थोड़ा केचप. एक बना दे सैंडविच. सो कुछ इस ये किसी की ट्रे है और कुछ ऐसे बनाए हैं ये जो मैंने बनाए हैं अभी दिया है मैडम को खाने के लिए. थोड़ी सी लगे हैं बस टाइम पास. लाज मील